बाय। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 डिग्री 3 जॉब अपॉर्चुनिटीज। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटक बैंक, नागपुर। नमस्कार, नागपुर हलचल में आपका स्वागत है। तो आइए नजर डालते हैं नागपुर के विविध हलचल पर। प्रभाग 15 के पूर्व शंकर नगर क्षेत्र में दंडी के लेआउट के पास एक खेल मैदान है, जो इन दिनों आसपास के नागरिकों को डेंगू के मच्छरों का उपहार देने में कोई कमी नहीं छोड़ रहा है। यहाँ कई वर्षों से बच्चे कई प्रकार के खेल खेलते हैं, बुजुर्ग नागरिक वॉकिंग तथा जॉगिंग करते हैं, लेकिन पिछले 2-3 वर्षों से इस खेल मैदान को गंदगी और कचरा घर बनाने में मनपा के कचरा संकलन करने वालों ने कोई कमी नहीं छोड़ी। नतीजा ये है कि यहाँ अक्सर कचरे का अंबार नजर आता है। सफाई कर्मी छोटी गाड़ियों में कचरा इकट्ठा कर इस मैदान में कचरा जमा करते हैं। 2-3 दिन बाद बड़ी गाड़ी कचरा ले जाती है, उसके बाद भी काफी कचरा मैदान पर बिखरा पड़ा रहता है, जिसकी वजह से परिसर में काफी गंदगी फैल गई है तथा मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है और परिसरों के लोगों में डेंगू का प्रसार हो रहा है। ऐसी स्थिति में रही सही कसर बिजली विभाग के ठेकेदार ने पूरी कर दी। मैदान के उत्तरी छोर पर अंडरग्राउंड केबल डालने के लिए करीब 6 महीने पहले खुदाई की गई और केबल डालने का काम अत्यंत धीमी गति से शुरू है। केबल डालने के लिए खोदे गए गड्ढे से निकला मलबा खेल के मैदान पर जमा कर रखा है। रोड को खोदकर जो बड़ा गड्ढा बनाया हुआ है, जिसमें बरसात का पानी जमा रहता है, थोड़ी भी बरसात आने पर मैदान में पानी जमा होकर तालाब सा दृश्य नजर आता है। इस वजह से पूरे मैदान में कीचड़ हो गया है और गंदगी की वजह से डेंगू फैलाने वाले मच्छरों की संख्या बढ़ गई है। परिसर में डेंगू फैल रहा है, ऐसा होते हुए भी यहाँ के किसी नगर सेवक ने नागरिकों की सुध नहीं ली, जबकि नागपुर महानगर पालिका डेंगू नियंत्रण के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास कर रही है। इसी कारण शंकर नगर के निवासियों ने राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के राष्ट्रीय संयोजक एडवोकेट अक्षय समर्थ के नेतृत्व में पालक मंत्री नितिन राउत, मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी, मेयर दयाशंकर तिवारी, अतिरिक्त आयुक्त राम जोशी व मनपा नेता प्रतिपक्ष तानाजी वनवे को एक ज्ञापन सौंप कर डेंगू को न्योता देने वाले इस मैदान की ओर ध्यान देने की मांग की है। केंद्रीय गृह निर्माण व शहरी विकास विभाग के सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने इंडिया साइकिल्स फॉर चेंज चैलेंज के तहत चयनित 11 शहरों की घोषणा की है, जिसमें नागपुर स्मार्ट एंड सस्टेनेबल सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड को 1 करोड़ रुपए के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, मेयर दयाशंकर तिवारी और मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी ने स्मार्ट सिटी टीम को इसके लिए बधाई दी है। इस अवसर पर स्मार्ट सिटी मिशन डायरेक्टर और सह सचिव कुणाल कुमार, ITDP के साउथ ईस्ट रशिया प्रोग्राम के प्रमुख श्रेया गोडपल्ली भी उपस्थित थे। स्मार्ट सिटी की मुख्य कार्यकारी अधिकारी भुवनेश्वरी एस ने कहा कि नागपुर में स्मार्ट सिटी के माध्यम से नागरिक प्रत्येक चरण में शामिल थे। स्मार्ट सिटी द्वारा पहले चरण में साइकिल को बढ़ावा देने के लिए नागपुर में छोटे पैमाने पर उपाय किए गए। साइकिल चलाने के लिए आवश्यक सुधारों के संबंध में नागपुर में 15,000 नागरिकों का एक सर्वेक्षण किया गया था। साथ ही नागरिकों के बीच माहौल बनाकर उन्हें अपने दैनिक कार्यों के लिए साइकिल का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। शहर में अधिक से अधिक नागरिकों के लिए साइकिल को प्राथमिकता देने के उपाय किए जा रहे हैं। स्मार्ट सिटी के जरिए हैंडल बार का सर्वे किया गया। जागरूकता फैलाने के लिए नागपुर स्मार्ट सिटी और नागपुर नगर निगम ने साइकिल रैली का आयोजन किया। साथ ही नागपुर शहर के लिए 18 किलोमीटर समर्पित साइकिल लेन का निर्माण किया जा रहा है। नागपुर के सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों में मनपा के अंग्रेजी स्कूल में प्रवेश शुरू करने की श्रृंखला में
महापौर दयाशंकर तिवारी ने दक्षिण नागपुर के रामभाव मालगे नगर मराठी प्राथमिक विद्यालय में अंग्रेजी माध्यम की कक्षाओं के लिए प्रवेश प्रक्रिया का शुभारंभ किया। उन्होंने बताया कि मनपा का शिक्षा विभाग शहर के 6 विधानसभा क्षेत्रों में अंग्रेजी माध्यम के स्कूल शुरू कर रहा है। इन स्कूलों में KG1 और KG2 कक्षाओं में प्रवेश लेने वाले बच्चों के नाम पर 31 जुलाई तक विचार किया जाएगा। उसके बाद प्रवेश के लिए आवेदन करने वाले छात्रों के नाम लॉटरी प्रणाली के माध्यम से तय किए जाएंगे। नागपुर मनपा द्वारा आकांक्षा फाउंडेशन के सहयोग से अंग्रेजी माध्यम के स्कूल शुरू किए जा रहे हैं। आकांक्षा फाउंडेशन के पदाधिकारियों के साथ हुई बैठक में तय किया गया कि 31 जुलाई तक प्रवेश लेने वाले छात्रों के नाम पर विचार किया जाएगा। इसके बाद प्रवेश के लिए आने वाले छात्रों के नाम लॉटरी सिस्टम के जरिए तय किए जाएंगे। मेयर ने कहा कि नगर निगम के अंग्रेजी स्कूलों को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। महापौर ने कहा कि नागपुर के स्लम क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों को मुफ्त गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों की अवधारणा पेश की गई थी। इस अवधारणा को साकार करने में आ रही कई बाधाओं को दूर किया गया। आज महानगर पालिका के पास ऐसे छात्रों को अंग्रेजी माध्यम की मुफ्त शिक्षा देने का रास्ता खुला है जो प्रतिभाशाली तो है किंतु केवल कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। मेयर दयाशंकर तिवारी को विश्वास है कि ये अंग्रेजी माध्यम के स्कूल शहर के गरीब और जरूरतमंद परिवारों के छात्रों के लिए जीवन रेखा साबित होंगे। ये स्कूल राज्य सरकार के निर्देश के बाद शुरू होंगे लेकिन प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उत्तर नागपुर में रानी दुर्गावती प्राथमिक विद्यालय, पूर्व नागपुर में बाबुलबर मराठी प्राथमिक विद्यालय, पश्चिम नागपुर में बाबूराव बोबड़े मराठी प्राथमिक विद्यालय, दक्षिण पश्चिम नागपुर में रामनगर मराठी प्राइमरी स्कूल, दक्षिण नागपुर में रामभाव मालगीनगर मराठी प्राथमिक विद्यालय और नागपुर में गोपालराव मोटघरे खदान हिंदी उच्च प्राथमिक विद्यालय में अंग्रेजी माध्यम की कक्षाएं शुरू की जाएगी। भारतीय जनता युवा मोर्चा नागपुर शहर के उपाध्यक्ष पद पर सूरज दुबे की नियुक्ति की गई है। वे दक्षिण नागपुर के विधायक मोहन मते के मार्गदर्शन व दक्षिण नागपुर युवा मोर्चा अध्यक्ष अमर धर्मारे के नेतृत्व में कार्य करेंगे। उन्हें भारतीय जनता युवा मोर्चा शहर उपाध्यक्ष बनाए जाने पर महामृत्युंजय कल्याणकारी संस्था के कार्यालय में उनका सत्कार किया गया। बता दें कि सूरज दुबे महामृत्युंजय कल्याणकारी संस्था की सलाहकार समिति के अध्यक्ष भी हैं। इस कार्यक्रम में संस्था के उपाध्यक्ष निखिल दुबे ने उनका सत्कार किया। इस कार्यक्रम में सचिव अभिषेक विक्की कन्हा के आदि उपस्थित थे। नागपुर महानगर पालिका के NDS दल ने 28 जुलाई को 17 दुकानों और प्रतिष्ठानों के विरुद्ध कार्रवाई की गई और कोरोना नियमों का उल्लंघन किए जाने पर 1,05,000 रुपए का जुर्माना वसूल किया। टीम ने 54 प्रतिष्ठानों और मंगल कार्यालयों का निरीक्षण किया। मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी के निर्देश के अनुसार ये ऑपरेशन वीरसेन तांबे के मार्गदर्शन में जोनल खोज टीमों द्वारा चलाया गया। वैष्णवी माता नगर टेकड़ीवाड़ी में सीवेज लाइन फूटने से क्षेत्र में दुर्गंधि फैल गई है और खंडगांव रोड पर गंदा पानी फैल गया है। इस कारण नागरिकों को इस कीचड़ भरे पानी से सड़क पर आवागमन करना पड़ रहा है जिससे दांडेकर नगर क्षेत्र के लोगों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस समस्या को लेकर आम आदमी पार्टी पश्चिम नागपुर की ओर से धर्मपेट जोन के सहायक आयुक्त एवं नागपुर सुधार प्रन्यास के विभागीय अधिकारी ज्ञापन सौंपकर नागरिकों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए सीवेज पाइपलाइन को जल्द से जल्द नवीनीकृत करने की मांग की गई है। ज्ञापन सौंपने गए प्रतिनिधि मंडल में आम आदमी पार्टी पश्चिम नागपुर के संयोजक आकाश कावले, कोषाध्यक्ष हेमंत बंसोड़, जॉय बांगड़कर, विश्वजीत मसराम, राहुल कावले, विवेक चापले व अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। चेतक इलेक्ट्रिक के अधिकृत डीलर KTM खामला चौक स्थित अरुण ऑटोमोबाइल्स ने बहुप्रतीक्षित चेतक इलेक्ट्रिक की डिलीवरी नागपुर में शुरू कर दी है। वाहन की पहली डिलीवरी अमित पानसे को अरुण ऑटोमोबाइल्स के कुणाल पाटनी के हाथों दी गई। चेतक वर्तमान में स्टील बॉडी, सॉलिड गियर ड्राइव और सुंदर नियो क्लासिकल डिजाइन के साथ आकर्षक दिखने वाला एकमात्र दो पहिया इलेक्ट्रिक व्हीकल है। ये वाहन अर्बन और प्रीमियम ऐसे दो वेरिएंट के साथ साथ विभिन्न रंगों और क्लास अग्रणी सुविधाओं के साथ एक सुरुचिपूर्ण होम चार्जिंग स्टेशन के साथ उपलब्ध है जिसे ग्राहक एड ऑन के रूप में खरीद सकते हैं। चेतक को 12,000 किलोमीटर या एक वर्ष के सेवा अंतराल के साथ न्यूनतम रखरखाव की आवश्यकता होती है और लिथियम आयन बैटरी सहित 3 साल या 50,000 किलोमीटर की समग्र वारंटी के साथ आता है। चेतक टेस्ट राइड और पंजीकरण के लिए KTM खामला चौक पर अरुण ऑटोमोबाइल्स में संपर्क किया जा सकता है। नागपुर शहर में डेंगू के मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए नागपुर महानगर पालिका की ओर से सभी पार्षदों के सहयोग से डेंगू की रोकथाम के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। डेंगू की रोकथाम के लिए महानगर पालिका के स्वास्थ्य विभाग द्वारा पूरे शहर में सर्वे किया जा रहा है। बुधवार को 8,042 घरों का सर्वे किया गया। इस दौरान 378 घरों में डेंगू के लार्वा पाए गए। टीम ने जिन लोगों के घरों में पानी भर गया है उन्हें डेंगू के खतरे से आगाह करते हुए डेंगू के संभावित खतरे की जानकारी दी।
सर्वेक्षण टीम ने सप्ताह में एक दिन सूखा दिवस के रूप में मनाने का आह्वान भी किया है। मेयर दयाशंकर तिवारी और मनपा आयुक्त राधाकृष्णन वी के निर्देश पर मलेरिया एवं फाइलेरिया विभाग ने सभी 10 जोन में 8042 घरों का निरीक्षण किया। इसमें 378 घरों और 96 बुखार पीड़ित मरीजों में डेंगू के लार्वा पाए गए। विभाग के कर्मचारियों ने परिवार के सदस्यों के रक्त के नमूने भी लिए। इस अवसर पर जोन सभापति मनीष आतकरे, पार्षद नरेंद्र बोरकर, प्रदीप पोहाने, वैशाली रोहनकर, उपायुक्त विजय देशमुख सहित जोन के अधिकारी और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी उपस्थित थे। निशुल्क शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन कर नंदनवन नागपुर में संचालित स्वामी अवधेशानंद पब्लिक स्कूल की मान्यता समाप्त करने का प्रस्ताव शैक्षणिक बोर्ड की शिकायत नियंत्रण समिति की बैठक में चर्चा के बाद लिया गया है। बैठक में आरटीई एक्शन कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद शाहिद शरीफ व पालकों की ओर से स्कूल की कार्य प्रणाली को लेकर गंभीर शिकायतें की गई थी, जिसकी सत्यता परखने के बाद शिकायतों को सही पाया गया। आरटीई एक्शन कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद शाहिद शरीफ तथा अवधेशानंद पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों के पालकों की शिकायतें प्राप्त होने के बाद विभागीय शिकायत नियंत्रण समिति नागपुर शैक्षणिक बोर्ड के विभागीय कार्यालय में 13 जुलाई को बैठक बुलाई गई, जिसमें पालकों व आरटीई एक्शन कमेटी की ओर से अवधेशानंद पब्लिक स्कूल द्वारा अधिनियम का उल्लंघन किए जाने संबंधी मुद्दे रखे, जिनमें पालकों को गुमराह कर शाला को केंद्र सरकार के बोर्ड अधीन बताकर राज्य सरकार के बोर्ड की शिक्षा दिए जाने, 9वीं से 10वीं के क्लासेस की अनुमति नहीं होते हुए भी पालकों को गुमराह कर क्लासेस चलाने तथा कामठी स्थित अवधेशानंद प्राथमिक शाला से परीक्षा दिलवाने जैसे कई मुद्दों पर चर्चा की गई। इस अनियमितता को चुनौती देने के 4 दिन पहले स्कूल को शिक्षणाधिकारी प्राथमिक जिला परिषद से 22 जुलाई को प्रथम विभागीय मान्यता दी गई है। इन सभी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए सत्यता सामने आने के बाद विभागीय शिकायत नियंत्रण समिति नागपुर शैक्षणिक बोर्ड ने अवधेशानंद पब्लिक स्कूल की मान्यता समाप्त करने का प्रस्ताव सरकार को भेजा है। गणेशोत्सव निकट होने के मद्देनजर मूर्तिकारों ने भगवान गणेश की मूर्तियां बनाना शुरू कर दिया है। शहर में मिट्टी की मूर्ति के अलावा जल पर्यावरण के लिए हानिकारक पीओपी से बनी मूर्तियों की बिक्री की जाती है। पहले ही केंद्र सरकार ने श्री गणेश की पीओपी मूर्तियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस कारण नागपुर शहर में कहीं भी पीओपी की मूर्तियों का आयात और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश स्वास्थ्य समिति सभापति महेश महाजन ने दिए हैं। गणेश चतुर्थी से पहले पीओपी मूर्तियों पर प्रतिबंध को लेकर स्वास्थ्य समिति अध्यक्ष ने निगम मुख्यालय स्थित डॉक्टर पंजाबराव देशमुख स्मृति स्थायी समिति हॉल में विशेष बैठक बुलाई थी। इस दौरान स्वास्थ्य समिति के अध्यक्ष ने पीओपी मूर्ति को लेकर निगम की ओर से की गई कार्रवाई की समीक्षा की। केंद्र सरकार द्वारा पीओपी मूर्ति पर प्रतिबंध लगाने के बाद मूर्ति विक्रेताओं द्वारा अदालत में एक याचिका दायर की गई थी। जन भावना को ध्यान में रखते हुए माननीय कोर्ट की ओर से पीओपी की मूर्तियों की बिक्री को लेकर अहम आदेश जारी किए गए। तदनुसार पीओपी मूर्ति विक्रेताओं को अपनी दुकानों के सामने एक बैनर लगाना आवश्यक था। साथ ही पीओपी मूर्ति की पहचान के लिए मूर्ति के पीछे लाल निशान बनाना भी अनिवार्य किया गया था। उपायुक्त ठोस अपशिष्ट प्रबंधन राजेश भगत ने बताया कि नगर निगम द्वारा माननीय न्यायालय के आदेश को लागू करने की कार्रवाई की जा रही है। राष्ट्रवादी कांग्रेस के शहर अध्यक्ष दुनेश्वर पेठे के नेतृत्व में मनपा आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर मांग की गई है कि नागपुर शहर में कोरोना के मरीजों व मौतों के संबंध में मौजूदा स्थिति को देखते हुए यहां प्रतिबंध लगाते समय लेवल 1 की छूट प्रदान की जाए। उन्होंने कहा कि स्थिति की सापेक्षता के मद्देनजर शहर में लेवल 1 का नियम लागू कर व्यापार व्यवसाय को राहत प्रदान करे। ज्ञापन में कोविड के कारण शहर के व्यापार व्यवसाय और उन पर निर्भर गरीब नौकरी पक्ष लोगों की स्थिति का आकलन करते हुए बहुत जल्द निर्णय लेने की मांग की गई है। शहर में लेवल 1 की स्थिति होने पर भी यहां लेवल 3 के प्रतिबंध के कारण व्यापार व्यवसाय लगभग ठप स्थिति में है, जिससे व्यापारियों की चिंता बढ़ गई है। बार व रेस्टोरेंट व भोजनालय शहर का बड़ा व्यापार है। इस पर कारीगर, वाहन पार्किंग करने वाले कर्मचारी, वेटर आदि के हजारों परिवारों को रोजी रोटी निर्भर है। अक्सर लोग सुबह और शाम को ही भोजन करने के लिए रेस्टोरेंट व भोजनालय में जाते हैं, लेकिन शाम होने से पूर्व ही बाजार बंद हो जाता है। इससे ये उद्योग भी दिक्कतों में आ गया है। प्रतिनिधि मंडल में रविनेश पांडे, सुखदेव वंजारी, एडवोकेट नितिन देशमुख, अश्विन जेवेरी, कपिल शराफ, जतिन मलखान, आशीष गुप्ता आदि उपस्थित थे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के प्रयासों से नागपुर शहर में अजनी रेलवे स्टेशन का विस्तार तेज गति से हो रहा है। इसी तर्ज पर इतवारी रेलवे स्टेशन, कलमना तथा भांडेवाड़ी रेलवे स्टेशन का भी विकास हो, इस उद्देश्य से विधायक कृष्णा खोपड़े तथा विकास कुंभारे ने नई दिल्ली में केंद्रीय रेल राज्य मंत्री राव साहेब दानवे से मिलकर इस संदर्भ में विस्तृत चर्चा की। इस दौरान दानवे ने जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया। विधायक कृष्णा खोपड़े ने बताया कि इतवारी रेलवे स्टेशन परिसर में लगभग 500 एकड़ जगह रिक्त है। इस जगह पर विकास की अपार संभावनाएं हैं। इतवारी यह व्यापारिक क्षेत्र के रूप में शहर में जाना जाता है।
किराना, अनाज, लोहा, कपड़ा, सोना चांदी तथा अनेक रोजमर्रा की चीजों का होलसेल व्यापार इतवारी क्षेत्र में है। इतवारी स्टेशन के विस्तार से यहां व्यापार निश्चित रूप से बढ़ेगा, जिससे रेल विभाग के राजस्व में बढ़ोतरी होगी और रोजगार की भी संभावनाएं बढ़ेगी। विधायक कृष्णा खोपड़े ने बताया कि इस संदर्भ में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को भी ज्ञापन दिया जा चुका है, जिसके फलस्वरूप केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखकर इस बारे में चर्चा की है। विश्व सिंधी सेवा संगम व पूज्य सखर सिद्धि पंचायत की ओर से शांतिनगर कॉलोनी में सारस्वत सिंधी ब्राह्मण मंडल के पूर्व अध्यक्ष पंडित दयाल शर्मा का समाज सेवा कार्यों में तत्परता के लिए शॉल, श्रीफल व पुष्प गुच्छ देकर स्वागत सत्कार किया गया। इस अवसर पर पंचायत अध्यक्ष बलराम काकवानी, मनोहर लाल आहूजा, किशोर धींगड़ा, सुनील महाराज, रमेश लाल साधवानी, प्रताप धींगड़ा, हितेश थावानी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री उद्धव बालासाहेब ठाकरे के जन्मदिन पर पूर्व मध्य नागपुर स्थित विधायक दुष्यंत चतुर्वेदी के मार्गदर्शन में शिवसेना उपजिला प्रमुख नगर सेवक ज्ञानेश्वर झोड़े द्वारा विविध कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वाठोड़ा पुलिस थाना स्थित पुलिस निरीक्षक खापरे के हस्ते वृक्षारोपण, नंदनवन पुलिस थाना स्थित राहुत के हस्ते वृक्षारोपण किया गया। नंदनवन स्थित स्वास्थ्य शिविर पंचवटी वृद्धाश्रम स्थित फल वितरण किया गया। करोबा मैदान गलदेव खाम स्थित शाखा का उद्घाटन किया गया। साथ ही नाना झोड़े के जनसंपर्क कार्यालय में वृद्ध महिलाओं का शॉल श्रीफल देकर सत्कार किया गया। महमूदा शिक्षण व महिला ग्रामीण विकास बहुउद्देशीय संस्था द्वारा संचालित सेंट्रल इंडिया वुमेन्स कॉलेज ऑफ एजुकेशन गोधनी नागपुर में विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि प्राचार्य डॉ. स्वाति राउत, डॉ. सीमा चिखले तथा प्राचार्य डॉ. यास्मिन सिद्दीकी उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरुआत वृक्षारोपण के साथ की गई। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य उन जानवरों और पेड़ों का संरक्षण करना है जो पृथ्वी के प्राकृतिक पर्यावरण से विलुप्त होने की कगार पर है। डॉ. स्वाति राउत ने अपने भाषण में पर्यावरण का महत्व बताते हुए कहा कि पहले के तुलना में आज प्रकृति के संरक्षण का कई अधिक महत्व है। लोग प्रकृति के संरक्षण के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझे। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के जन्मदिन पर मोमिनपुरा के कब्रस्तान रोड पर शिवसेना शाखा का उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर शिवसेना के नागपुर शहर संपर्क प्रमुख किशोर पराते, मध्य नागपुर संघटक प्रमुख पुरुषोत्तम कांद्रीकर, निलेश नंदनवार, प्रफुल्ल बोकड़े और श्रवण खापेकर आदि विशेष रूप से उपस्थित थे। मध्य नागपुर के उप प्रमुख और कार्यक्रम के संयोजक रमजानुल हक रमजानी ने शुरू में तमाम नेताओं का स्वागत किया। नेताओं ने फीता काट कर मोमिनपुरा शाखा का उद्घाटन किया। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत डॉ. वसंतराव देशपांडे की स्मृति के उपलक्ष्य में दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र नागपुर द्वारा इस वर्ष भी 30-31 जुलाई एवं 1 अगस्त को डॉ. वसंतराव देशपांडे स्मृति संगीत समारोह का आयोजन किया जा रहा है। ये समारोह प्रतिदिन शाम 6 बजे आयोजित किया जाएगा। इस बार भी ये समारोह कोविड-19 महामारी के चलते ऑनलाइन किया जा रहा है। इस समारोह में शास्त्रीय गायन, वादन, नृत्य एवं नाट्य संगीत की प्रस्तुतियाँ होंगी। इन कार्यक्रमों को यूट्यूब पर देख सकते हैं। नागपुर शहर के विभिन्न हिस्सों में नाग और बिली नदी के किनारे लगभग 12 उद्यानों में छोटे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना की जा रही है। इसके तहत बुधवार को मेयर दयाशंकर तिवारी के हाथों दिघोरी दहन घाट के पास सेनापति नगर उद्यान में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का शिलान्यास किया गया। बता दें कि इस प्लांट से शुद्ध हुआ पानी उद्यान सहित खेल के मैदान और निर्माण कार्य के लिए उपयोगी साबित होगा। इस अवसर पर दक्षिण नागपुर के विधायक मोहन मते, पूर्व स्थायी समिति अध्यक्ष एवं पार्षद विजय झलके, कार्यपालक अभियंता डॉ. श्वेता बैनर्जी, रामभव अम्बुलकर सहित क्षेत्र के नागरिक मौजूद थे। इस अवसर पर मेयर दयाशंकर तिवारी ने कहा कि नागपुर शहर में कुल 12 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किए जाएंगे। अब तक 12 में से 4 परियोजनाओं का भूमि पूजन हो चुका है। 15 अगस्त को भारतीय स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ है। इस उपलक्ष्य में इन 12 परियोजनाओं की स्थापना की जाएगी। नागपुर देश का ऐसा पहला शहर बन गया है जिसने एक ही समय में 12 ऐसे अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र स्थापित किए हैं। तो नागपुर हलचल में आज इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज के साथ। नमस्कार। लव यू दीपिका। बाय। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए।
जो देता है फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी। एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 degree 3 job opportunities। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटका बैंक, नागपुर।